हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरु माइंड डी टैरो। और ये रीडिंग है 20th ऑफ नवंबर से लेके 26th ऑफ नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में। Nine of Knives, Ten of Scepters, excuse me, Four of Skulls, Ten of Skulls, Prince of Knives. तो नाइन ऑफ नाइफ्स यहाँ भी ये शो कर रहा है कि आपका पर्सन शायद किसी बात को लेकर साइलेंट है, कोई चीज उनके ऊपर बर्डन बनी हुई है। ये आपसे रिलेटेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें परेशान कर रहे हैं या आपको लेके वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं या फिर आपकी वजह से उन पर यह बर्डन है। ये बर्डन हो सकता है वर्क का, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, हो सकता है फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ आर्गुमेंट ऐसी हो रही है आपके पीठ पीछे जो आप देख नहीं सकते। इनके और इनके फैमिली मेंबर्स के बीच इनके फैमिली में कुछ इश्यूज हो सकते हैं एंड उनका इफेक्ट अब इस रिलेशनशिप पे भी आ रहा है। शायद हर कोई इन्हें ब्लेम कर रहा है कि ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं और इन्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं, क्योंकि हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो काफ़ी बड़े फैमिली से आता हो या जॉइंट फैमिली से हो या फिर ट्रेडिशनल फैमिली है। इन्हें हमेशा ये कहा गया है कि इन्हें खुद से पहले सबके बारे में सोचना है और वैसा ये करते भी आए हैं हमेशा, करियर से लेके हर चीज़ में। कभी इन्हें अपनी लाइफ एंजॉय करने का मौका नहीं मिला एंड अब जब उन्हें लग रहा था कि उनकी लाइफ यहाँ से इंटरेस्टिंग होगी, एक्साइटिंग होगी, आपके साथ एक रोमांटिक फेरी टेल होगी, उसी समय दूसरे ऑब्जेक्शंस करने लगे। ऐसा लग रहा है कि इन्हें इनके परिवार वाले या इनके रिलेटिव्स ऐसा फील करा रहे हैं कि ये सेल्फ सेंटर्ड हैं, सेल्फिश हैं, हर किसी को एक्सपेक्टेशन है उनसे। उन्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ भी उनके पास है वो आप डिजर्व नहीं करते, कुछ भी आप डिजर्व नहीं करते, सब उनका है। आई मीन सब उनके फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स या जो लोग भी हैं, ये उनका हक है इस पर। और ये काफ़ी अनोइंग बात है, ये पर्सन जब भी आपके लिए कुछ सोचता है दूसरे लोग पॉइंट आउट करने आ जाते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये बात आपको डिनर खिलाने से लेके या किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है, टाइम तक अगर ये आपको देते हैं तो शायद उससे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो रही है कि आप तो दिन भर अपने पार्टनर से ही बात करते रहते हैं या आपके पास किसी और के लिए वक्त नहीं है, आपका ब्रेन वॉश कर रहा है आपका पार्टनर, आप पूरी तरह से अब अपने रिलेशनशिप के बारे में ही सोच रहे हैं। इस तरह की चीज़ें इनके लाइफ में हो रही हैं। फोर ऑफ स्कल्स का कार्ड है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको जाने तो नहीं देगा। चैलेंजेस बहुत हैं, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, जजमेंट है, पर इन बातों से इस पर्सन को फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने ये सोच रखा है कि ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे और इन सारी चीज़ों से दूर रखेंगे। तो हो सकता है आप इस तरह की किसी बात के बारे में सुने भी ना या ये पर्सन आपको कभी बताए भी ना कि वो किसी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप इन बेवजह की बातों से अफेक्ट हो और उन्हें छोड़ दें। टेन ऑफ स्कल्स पाइसेस आपसे कह रहा है कि ये वक्त है बैठ कर वॉच करने का। जो लोग आपके रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल्स बन रहे हैं वो लोग आपके रास्ते से ज़रूर हटेंगे, यूनिवर्स कुछ ना कुछ करेगा।
आप दोनों के लिए, बस आप वॉच करते जाइए. सिचुएशन चाहे जितनी भी आउट ऑफ कंट्रोल लग रही है, सिचुएशन कंट्रोल में होगी, चीजें वैसे ही अनफोल्ड होगी जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ खुद ब खुद आपके फेवर में होगा. प्रिंस ऑफ नाइव्स है, प्रिंस ऑफ नाइव्स काफी डेस्परेट है, आपका पर्सन काफी डेस्परेट है. ओके, उन्हें ऐसा फील कराया जा रहा है कि आप ये ब्यूटीफुल रोज तो हैं मगर थॉर्न्स के साथ. लगातार उन्हें ये कहा जा रहा है कि अगर वो आपको एक्सेप्ट करेंगे तो उन्हें थॉर्न्स चुभेंगे, उन्हें तकलीफ होगी, उनके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा. और इस तरह की बातों को स्टैंड करना इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है. उन्हें लग रहा है कि हर सेकेंड उन्हें यही एहसास कराया जा रहा है कि वो कोई गलती कर रहे हैं, वो आपको डिफेंड कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि ये पर्सन चुपचाप सुन रहा है जब आपके बारे में बातें हो रही हैं नेगेटिव. ये पर्सन आपको डिफेंड करता है एंड चाहता है कि दूसरे भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझे, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा. पर इससे इस पर्सन का हौसला नहीं टूटा है, ये अभी भी वही है जो ये थे. तो ये पर्सन स्टिक करना चाहता है इस रिलेशनशिप से एंड ऐसा लग नहीं रहा कि ये इस पे गिव अप करेंगे. हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाइन ऑफ ग्रेन्स, द हैंग्ड मैन, द डेविल, the Hierophant, the Lovers. तो यहां पे नाइन ऑफ ग्रेव्स का कार्ड है. नाइन ऑफ ग्रेव्स आपसे कह रहा है कि आप क्लोज हैं इस पर्सन के बाद. ये पर्सन आपको होल्ड कर रहा है, आई मीन फिजिकली जरूरी नहीं है. इस कार्ड का सिंबल हमेशा ही फिजिकल कनेक्शन को नहीं दर्शाता. हालांकि यहाँ फिजिकल इंटीमेसी की यू नो डिजायर जरूर है. ये पर्सन फिजिकल आपके फिजिकली आपके पास प्रेजेंट होना चाहता है एंड उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको जाने नहीं दे सकते. ओके, तो ये पर्सन होल्ड ऑन करेगा. द हैंग्ड मैन है सरेंडर के बारे में. ये पर्सन इस सिचुएशन में बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल फील कर रहा है. उन्हें लग रहा है कि लाइफ ने उन्हें उल्टा कर दिया है या पूरी तरह से उनका वर्ल्ड जो है वो अपसाइड डाउन हो गया है. पर इसी समय ये पर्सन अपनी ताकत को डिस्कवर करेगा. ओके, इसी समय ये पर्सन ये रियलाइज करेगा कि ये कितने स्ट्रांग है. जब नाक तक पानी आ जाए तो फिर यू नो एफर्ट भी 100% हो जाता है एंड वही इस पर्सन के साथ होगा इस वीक में. द डेविल का कार्ड इनकी स्ट्रेंथ को शो कर रहा है यहाँ पे. हालांकि दूसरों के नजरों में ये डेविल है, दूसरे ने जज कर सकते हैं कि इन्हें सिर्फ रोमांस चाहिए, लव चाहिए और इनके लाइफ में और कुछ मैटर नहीं करता. ये पूरी तरह से लस्ट से अफेक्टेड है, पर इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि द हायरोफेंट के साथ ये पर्सन सिर्फ इस वक्त अपनी सोल को सुन रहा है, अपने दिल को सुन रहा है. द लवर्स के कार्ड के साथ ये कनेक्शन वैसे भी बहुत डीप है और दूसरे समझे ना समझे ये पर्सन इस डेप्थ को समझता है एंड ऐसा लग रहा है कि ये पूरी कोशिश करेंगे. ओके, आपके और अपने इस रिलेशनशिप को बचाने की. चलिए देखते हैं कि ओरेकल मैसेज क्या है.
आइसिस मैजिक मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स विजन्स गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी स्टे फोकस्ड। आपसे कहा जा रहा है जो भी आपके सपने थे, जो भी आपने सोचा था, जो भी आपने अचीव करने का सोच रखा है, सब कुछ रियलिटी में बदल रहा है। तो फोकस्ड रहिए अपने लाइफ पे एंड अपने गोल्स पे। आपको किसी की बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है, इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं कि आपके आसपास क्या हो रहा है। तो ये है रीडिंग इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।